हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाबा जी बैंगल्स में। आज मैं आप सभी को बिहार का लाह यानी लहठी का इतिहास बताने वाला हूं, जो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के यूनिक यूनिक वीडियो और भी अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। लाह से निर्मित इतने सुंदर सुंदर बैंगल्स और लहठियाँ देखकर आपके माइंड में तो ये सवाल ज़रूर उठता होगा, ये लाह का मटेरियल आता कहाँ से है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं। ये लाह का पौधा है, इसका नाम हुआ फ्लेमेजिया सेमिनाटा। इसके पेड़ के टहनियों पे लाख इंसेक्ट ज़्यादा मात्रा में लाह बना पाते हैं। और भी पेड़ होते हैं जिससे किसान अपनी लाह की खेती कर सकते हैं, जैसे कुसुम, प्लास, बेर, पाकड़, जलेबी के पेड़ हो गए, शीशम के पेड़ हो गए, ये सब पे भी लाह अच्छा उत्पाद होता है। लाह का लाह की खेती से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लाह की खेती में किसान उन टहनियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लाख इंसेक्ट पहले से लाख बना चुकी होती है। उसके बाद किसान उन टहनियों को उन पौधों में बांधते हैं जिस पे लाख की खेती करनी होती है। उन टहनियों में पहले से लाख इंसेक्ट के अंडे मौजूद होते हैं। लगभग एक महीने में उन पौधों पर लाख इंसेक्ट 1 से 2 इंच की परत बना देते हैं। लाख की खेती हमारे देश की बहुत ज़्यादा प्राचीन काल की ये खेती है, ये राजा महाराजाओं के काल से चला आ रहा है। लेकिन सन 1907 में बैकलैंड नामक हमारे वैज्ञानिक ने प्लास्टिक का आविष्कार किया था, जिसके कारण हमारे देश में लाह की खेती 80% प्रभावित हो गई। ये सारी प्लास्टिक की सामग्रियां लाह से ही बनाई जाती थी। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग घटता देखकर बिहार सरकार ने 1924 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिजाइन एंड गम की स्थापना की। ये इंस्टीट्यूट नमक्यून रांची में है। किसानों को प्रशिक्षण देते हुए इस इंस्टीट्यूट ने लाह की खेती का फिर से शुरुआत किया। सन 1924 के बाद से लाह का खपत धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये लाख इंसेक्ट है दोस्तों, देखिए इसे लाख इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये देखने में एकदम खटमल के जैसा ही लगता है, खटमल से थोड़ा सा छोटा होता है। लाह के छोटे छोटे टहनियों को इस मशीन से ग्राइंडिंग किया जाता है दोस्तों, उसके बाद देख सकते हो, ये देखिए कितना बारीक बारीक हो जाता है। इस भट्टी में लाह को गलाया जाता है दोस्तों, और उसके बाद ये देखिए इंडस्ट्रेट है इसका, इसको चपड़ी के नाम से जाना जाता है। ये चपड़ी बन गया, ये गलाने के बाद ये चपड़ी बन जाता है और इसको अलग अलग तरह से बना के यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, लहठी कैसे बनता है ये प्रोसेस आप समझ लीजिए। इसको रंजन बोला जाता है, ये देखिए रंजन को चपड़ा से ही बनाया जाता है, और देखिए कढ़ाई में हीट किया जाता है। ये लाह का पाउडर है, इसको इसमें मिक्स किया जाता है। देखिए जब अच्छा से हीट हो जाता है तो ये ऐसा हो जाता है। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके बेलन के आकार का बना दिया जाता है दोस्तों, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कलर बन रहा है दोस्तों। ये चपड़ी को अच्छी तरीके से गला के इसको कलर में तैयार किया जाता है।
house.